हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम बनाते हैं सर्दी की सब्ज़ी, जो है सेम फली की सब्ज़ी। इसको हम बड़े ही मसालेदार और चटपटे स्टाइल से बनाएंगे और इसके जो हैं खाने के बहुत फ़ायदे हैं। सेम जो है ये, इसे इंग्लिश में लाइमा बीन्स भी कहते हैं। ये फलियां सर्दियों में आती हैं और इनको खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। इनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये देखिए, इसके लिए हमें चाहिए 6 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 हरी मिर्चें। इसमें हमने ना प्याज डालना है ना टमाटर डालना है, फिर भी ये सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनने वाली है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों सिरों से इसके रेशे निकाल लेने हैं, इस तरह से चाकू से कट करते हुए। और ये रेशे ज़रूर निकाल लीजिएगा, वरना जब सब्ज़ी पक जाएगी उसके बाद ये मुँह में आते रहेंगे, वो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से अपने मनचाहे आकार में फिर इसे कट करके रख लीजिए। और इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, जिसे भी मैंने मोटा मोटा चॉप करके रख लिया है। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी जो है एज साइड डिश भी बहुत अच्छी लगती है और टिफ़िन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप बच्चों को बना के दीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से देखिए, ये जो रेड एरो दिखाई है, इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह के रेशे निकल जाएंगे इसमें से। और बस इसके बाद हमने लहसुन और अदरक को, ये जो थ्रेड चॉपर है, इसमें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, इसमें आपको प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है ना टमाटर डालने की ज़रूरत है। बहुत ही बढ़िया ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इसके जो बीज होते हैं उसमें प्रोटीन होता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अचारी स्टाइल के हम सब्ज़ी बनाने लगे हैं। तो ये देखिए, हमने लहसुन अदरक जो है बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और इसी तरह से हम हरी मिर्चों को भी बारीक चॉप करके रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी पराठों के साथ सफ़र में भी ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ साबुत मसाले, जैसे कि सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी और आधा चम्मच अजवाइन। इधर हमने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया, उसमें साबुत मसाले फ्राई कर लेने हैं। जैसे ही मसाले भुन जाएँ, उसमें हमने लहसुन अदरक जो हमने बारीक करके रख लिया है, इसको भून लेना है। जैसे ही ये हमारा लहसुन अदरक भुन जाता है, इसमें हम ऐड करेंगे हमारी हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और बस इसको थोड़ा सा हमने चला लेना है, इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को हम 50% तक पका लेंगे पहले, क्योंकि आलू पकने में टाइम लगता है और जो ये हमारी सेम की फली है, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने सेम की फली के साथ साथ 1 कप हरी मटर भी ली है। अब आलू जल्दी से पक जाए, इसलिए हम इसमें जितना हमें नमक चाहिए सब्ज़ी में, उतना नमक इसमें ही ऐड कर देंगे और इसको हम ढककर 5-1 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम ढककर पका लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मटर ऑप्शनल है, पर अगर आप मटर इसमें ऐड कर लेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है सब्ज़ी। अब इसे हमने ढककर पकने देना है। और जब ये आलू हाफ डन हो जाएंगे, यानी 50% पक जाएंगे, उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है सेम की फली और 1 कप मटर। तो इस तरह से आप सारी सब्ज़ी को अच्छी तरह से चला लीजिए। फ्रेंड्स, सर्दियों में हम लोग मटर तो निकाल के रख ही लेते हैं फ्रिज में, ताकि किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर सकें। और यकीन मानिए कि सेम की फली में ये मटर बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आपने जितनी क्वांटिटी की सब्ज़ी बनानी है, उस हिसाब से नमक और हल्दी और मिर्च डालिएगा। और अब ये देखिए, इसको अब हम ढककर पकने रख देंगे। और अब थोड़ी देर पकने के बाद इसको चेक करते रहिए। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको पकने के लिए, बस आपकी सब्ज़ी जो है तैयार हो जाती है। जब सब्ज़ी पक जाएगी तो 2 बड़े चम्मच हमने भुना हुआ मूंगफली पाउडर इसमें ऐड कर देना है और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करना है और इसको ढककर 2 मिनट के लिए पका लेना है। ये देखिए, हमने सब्ज़ी को डिश आउट कर लिया है। कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इसे आप नाश्ते में पराठे के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए और दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। थैंक यू सो मच।